नमस्कार, मैं हूं निवेदिता शुक्ला। अब समय है साल 2018 को टाटा बाय बाय कहने का और 2019 का दोनों हाथ खोलकर खुले दिल से स्वागत करने का, क्योंकि जो बीत गया सो बीत गया। अब वर्तमान में जीना है और अपने भविष्य पर काम करना है, ताकि साल 2018 में जो गलतियां की वो 2019 में दोहराई ना जाए, और जो 2018 में नहीं कर पाए उन्हें 2019 में करने की एक बार फिर एक अदद कोशिश की जाए। फिर 2014 के बाद 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव भी तो हैं, जो 2019 को और खास बना देते हैं। हर पार्टी के अपने मुद्दे हैं, जिसको लेकर कई तरह के गठजोड़ और समीकरण बैठा कर हर कोई चाहता है कि साल 2019 की कमान कैसे भी उसके हाथ में आ जाए और फिर उसे मौका मिल जाए देश की सत्ता पर कम से कम 5 साल के लिए काबिज होने का। इन 4.5 सालों में पीएम मोदी ने देश को बुलंदियों तक तो पहुंचाया ही, सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी भारत की छवि बदलने और उसे बेहतर करने की भरपूर कोशिश की है। ऐसे में मोदी सरकार के एक और ऐलान से यूपी और दिल्ली वासियों के अच्छे दिन आने वाले हैं। दरअसल मोदी सरकार ने साल 2019 में दिल्ली से यूपी तक पहली एसी लोकल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इस मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन में स्टेनलेस स्टील के 8 डिब्बे होंगे, जो 200 से 300 किलोमीटर के शहरों को आपस में जोड़ेंगे। ये ट्रेन बाकी लोकल ट्रेन्स की तुलना में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से पटरी पर दौड़ेगी, क्योंकि मौजूदा समय की लोकल ट्रेन्स की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे की है, लेकिन इस पहली एसी लोकल ट्रेन की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। इस ट्रेन में 2,618 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। इसमें जीपीएस से जुड़ी सूचना प्रणाली, स्वचालित दरवाजे और गद्देदार सीटें होंगी, साथ ही सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जाएगी। नई एसी लोकल में सभी 8 डिब्बों में 2-2 शौचालय होंगे। माना जा रहा है कि दिल्ली और यूपी वालों के लिए पहली एसी स्पेशल लोकल ट्रेन 2019 फरवरी तक शुरू हो जाएगी।